हेलो भाई, मैं पुष्कर। ये अपनी एक्टिव 125 जिसे कि आप लोग रेगुलरली देखते ही रहते हो हर बार, तो आज भी ये है हमारे पास। और दूसरी जो स्कूटर है वो भी होंडा की तरफ से ही आती है, और वो है अपनी ग्रेजिया। तो इसमें और ग्रेजिया में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि दोनों होंडा से ही आती हैं। इंजन स्पेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसमें भी अपना 125 cc का 10 Nm टॉर्क निकालने वाला और 8.93 PS वाली पावर जनरेट करने वाला होंडा का ही इंजन देखने को मिल जाता है। सेम उसी में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों स्कूटीज़ लगभग बहुत ही ज़्यादा सेम है, सेम प्लेटफॉर्म पर है, और साथ ही में दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी सेम है, क्योंकि दोनों होंडा की तरफ से ही आती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोग ना मतलब कन्फ्यूज रहते हैं कि ग्रेजिया के ऊपर जाएँ या अपना एक्टिवा 125 के ऊपर जाएँ, क्योंकि लोगों ने इसकी भी बुराई बहुत सुन चुके हैं और ग्रेजिया की भी बुराई बहुत सुन चुके हैं। तो आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए इन दोनों में से और कौन सी आपको सूट करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई सामने से। सामने की साइड अगर आप देखें तो ऐसा कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल आपको इसमें देखने को मिल जाती है अपनी एक्टिवा 125 में। वहीं अगर हम ग्रेजिया की बात करें तो उसमें आपको कुछ ऐसी प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है सामने की प्रोफाइल में, तो क्योंकि इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो यहाँ पर हैं और उसके जो हेडलैम्प्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं नीचे की साइड। तो इसमें ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उसका जो थ्रो है लाइट्स का वो इससे ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। अगर हम थोड़ा नीचे चलें, सस्पेंशन दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। उसके अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, टायर प्रोफाइल भी आपको दोनों में बिल्कुल सेम डिटो देखने को मिलती है। ये अपनी 90x90 और R12 की आपको इसमें प्रोफाइल देखने को मिलती है दोनों में, चाहे आप ग्रेजिया ले लो चाहे आप एक्टिवा ले लो। और दोनों में एलॉय का भी सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है सेम आपको अपनी ग्रेजिया में भी देखने को मिल जाता है। मेन बात कहाँ आती है सामने की प्रोफाइल में अगर हम बात करें ना, तो मेन बात आती है कि भाई अगर उसमें जो ये हेडलाइट्स हैं वो नीचे दी हैं तो उसमें थ्रो बढ़िया निकल के आता भी है या नहीं। तो सही बताऊं तो इसका थ्रो तो भाई उससे तो बेकार है, मतलब उसकी जो लाइट्स का थ्रो है ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसकी जो लाइट्स का थ्रो है वो देता है भाई बिल्कुल सामने, एक्टिवा की जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल सामने की साइड थ्रो देती हैं, ग्रेजिया की जो लाइट्स हैं वो आपको थोड़ा नीचे की साइड थ्रो देती हैं। तो इससे भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि बंदा सामने की साइड थ्रो लेकर क्या करेगा, उसे चाहिए होता है नीचे की साइड थ्रो, रोड पर तो दिखाए कुछ। अगली चीज़ यहाँ भी आ जाती है कि इसमें आपको इतनी बड़ी बड़ी अपनी DRLs देखने को मिल जाती हैं, वहीं आपको ये ग्रेजिया में मिसिंग है। उसमें आपको ऐसी कोई भी DRL नहीं देखने को मिलती है जैसे कि इसमें आपको दी गई है इतनी बड़ी बड़ी। अब साइड प्रोफाइल की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो इसकी आप लोग देख लो एक बारी, और अब आप अपनी स्क्रीन पर ग्रेजिया के देख लो। दोनों में से जो एरोडायनामिक्स हैं वो आपको ग्रेजिया में ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। एरोडायनामिक्स मैं बताऊँ आपको, तो जब स्कूटी आप हाई स्पीड्स पर चलाते हो ना तो पिकअप एक तो एरोडायनामिक्स की वजह से ग्रेजिया ज़्यादा अच्छा ले पाती है। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी, तो भाई अगर आप देखो ना तो एक्टिवा में आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है हाई स्पीड्स पर। जैसे आप चलाओ ना अपनी 80 या 85 की स्पीड पे, तो एक्टिवा ज़्यादा स्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजिया। एक्टिवा में ना एक मतलब अपना कॉन्फिडेंट सा रहता है कि अभी अगर हम ब्रेक मारेंगे तो रुक जाएगी, और अगर हाई स्पीड अचीव कर भी लें तो अपनी स्कूटी डिसबैलेंस नहीं होगी। प्लस अगर आप इसकी सर्विस वगैरह बढ़िया तरह से मेंटेन करके रखते हो तो इसमें आपको 60 की स्पीड तक तो कोई भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होते, उसके बाद भले ही आपको फील होने लग जाए। तो ग्रेजिया में भी ये सब सेम है, आपको अगर आप सर्विस वगैरह बढ़िया करवा के रखते हो तो 60 की स्पीड तक कोई वाइब्रेशन फील नहीं होते। रिफाइनमेंट अगर कहीं ना कहीं मैं कहूँ इससे ज़्यादा बढ़िया है ग्रेजिया में, अगर आप धीमे स्पीड्स पर भी चलाते हो तो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है उसका इंजन एज़ कम्पेयर टू दिस। इंजन भली दोनों में सेम है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें भाई आवाज़ कम आती है, वाइब्रेशन कम रहते हैं इससे। रियर लुक की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिवा कुछ आपको ऐसी देखने को मिलती है रियर से, वहीं अगर मैं ग्रेजिया की बात करूँ ऐसी कुछ आपको अपनी ग्रेजिया की लुक देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं रियर लुक की भी बात करूं, एक्टिवा में आपको ज़्यादा बढ़िया लुक देखने को मिल जाती है। रियर टायर की बात करें तो दोनों में आपको सेम देखने को मिलता है, सेम साइज़ का सेम टायर देखने को मिलता है, सेम एलॉय। यही टायर आपको अपना एक्टिवा में देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का एलॉय, और सेम आपको अपने ग्रेजिया में देखने को मिल जाता है। ये जो आप सिल्वर सिल्वर देख रहे हो ये भाई ये एलॉय डिफेक्टेड है मेरा वाला, लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो इसमें ऐसा कुछ भी सिल्वर फिनिश नहीं आती है। अगली बात आती है कि भाई सीट की जो डायमेंशंस हैं वो किस में आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती हैं। तो सीट अगर मैं बताऊं इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजिया। ग्रेजिया में ना इससे छोटी सीट हैं, मतलब अगर आप लेंथ और विथ वाइज बात करते हो इससे छोटी सीट हैं। अगर आप इस पर बैठे तो ना तो ये अपना इतनी तो चौड़ी है कम से कम, अगर मैं इधर से बात करूँ ये जो आप बम्प सा देख रहे हो अगर मैं इधर से नापूँ तो इसकी इतनी है, बाकी ग्रेजिया में आपको कहीं ना कहीं इससे कम ही मिलेगी। बाकी कम्फर्ट उसमें भी अच्छा है, लेकिन मैं बस वो बात कहना चाह रहा हूँ कि सीट की जो डायमेंशन है वो उसकी एक्टिवा से थोड़ी सी कम है कहीं ना कहीं। बाकी अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो एक्टिवा में आपको कहीं ना कहीं बढ़िया देखने को मिल जाता है, 100-200 ml आपको इसमें ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है। ग्रेजिया में आपको देखने को मिलता है 5.3 लीटर्स का अपना फ्यूल टैंक,
और इसमें आपको देखने को मिल जाता है 5.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो अपनी एक्टिवा है 10-15 किलोमीटर तो ज़्यादा चलेगी उससे। बाकी जैसा कि मैंने बताया इंजन दोनों में सेम है तो माइलेज भी दोनों लगभग सेम से ही निकालते हैं। कंपनी उसकी तो क्लेम करती है अपना 50 से 60 तक की, लेकिन इसकी क्लेम करती है 64 की। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ तो दोनों अपना लगभग सेम ही निकाल पाते हैं, 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क आ पाता है दोनों। वो फ़र्क भी इसीलिए आता है क्योंकि इसके जो एरोडायनामिक्स हैं वो थोड़े ग्रेजिया से बेकार हैं। मतलब ग्रेजिया में ना क्या है, एरोडायनामिक्स आपको एकदम बढ़िया देखने को मिल जाता है अगर आप उसकी लुक देखो साइड प्रोफाइल से। ऐसी कुछ एक्टिवा है और ऐसी कुछ अपनी ग्रेजिया है, तो ग्रेजिया में आपको कहीं ना कहीं एरोडायनामिक्स बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो हवा को है ना काटती हुई जाती है तो उस पर हवा का है ना विंड ब्लास्ट नहीं पड़ता, तो इस वजह से उसकी जो माइलेज है वो भी बढ़िया निकल के आती है। इस पर विंड ब्लास्ट बहुत लगता है एक्टिवा पे। अगली बात आ जाती है भाई लुक्स की। तो लुक्स में अगर पर्सनली बताऊँ मेरा जो ओपिनियन है, एक्टिवा में आपको कहीं ना कहीं बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेजिया, क्योंकि इसमें आपको उससे ज़्यादा बड़ी DRLs देखने को मिल जाती हैं। हालांकि प्रैक्टिकल इतनी नहीं है पर देखने में तो बढ़िया लगती हैं एटलीस्ट। और अगली चीज़ की अगर हम बात करें, साइड प्रोफाइल भी आपको अपनी एक्टिवा में ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। और अगर हम पीछे की लुक की बात करें तो वो तो आप देख ही चुके हो, अपनी एक्टिवा में आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगली चीज़ अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, दोनों में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलती हैं। आगे की साइड आपको अपनी डिस्क देखने को मिलती हैं। ये मेरा खैर थोड़ा बेस मॉडल है तो इसमें आपको अपनी ट्रमी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप वैसे लेते हो अपना टॉप एंड वेरिएंट तो दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। ग्रेसिया में भी आगे की साइड डिस्क आती हैं, एक्टिवा में भी सामने की साइड डिस्क आती हैं। और पीछे की साइड की अगर हम बात करें तो पीछे दोनों स्कूटीज में आपको ड्रम ही देखने को मिलते हैं, पीछे कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं दिए गए हैं। अब मेन बात आती है भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एक्टिवा में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर कि आपको अपनी एनालॉग या अपनी स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, वहीं आपको इसमें अपना टाइम, रियल टाइम एवरेज और अपना ट्रिप एवरेज, ट्रिप रेंज टोटल और अपना फ्यूल बताता है डिजिटली, और सर्विस का भी इसमें आपको साइन देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर मैं बताऊं ग्रेजिया में पूरा डिजिटल आपको इसमें देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर भी डिजिटल है और अपना MID भी डिजिटल है। तो ग्रेजिया में आपको डिजिटल तो देखने को मिलता है लेकिन एक्टिवा से ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता मेरे को पर्सनली, क्योंकि इसमें जो एनालॉग है ना, एनालॉग की स्पीडोमीटर का भाई मज़ा ही अलग है। और दूसरी चीज़ इसकी जो भाई MID है ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उससे तो ज़्यादा ही बड़ा लगता है उसका, है ना इतना छोटा सा है, आगे का हिस्सा पूरा खाली दे रखा है तो वो कुछ ज़्यादा सूट नहीं करता। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बना रहे हो तो पूरा बनाओ ना, उसमें इतने में बना रखा है अपना, आगे का हिस्सा खाली छोड़ रखा है तो बहुत है ना और सा लगता है। वहीं अगर हम मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, ऐसे ही कुछ अपने चलते हैं। बाकी फीचर्स वगैरह तो दोनों में आपको इक्वली मिलते हैं, जैसे रेंज वगैरह और ट्रिप वगैरह और टोटल सब कुछ वो भी बताती है ये भी बताती है, तो फीचर्स तो दोनों में सेम ही है। बाकी जो अपना ये वाला फीचर है साइड स्टैंड वाला, वो आपको ग्रेजिया में भी देखने को मिल जाता है। अब मेन बात आती है भाई पिकअप की, कि पिकअप किस में ज़्यादा बढ़िया है, पुशबैक कौन सी ज़्यादा स्कूटी बढ़िया देती है। तो अगर मैं सही बताऊँ तो ग्रेजिया में आपको कहीं ना कहीं सही देखने को मिल जाता है पिकअप इससे, अगर आप लोअर स्पीड पर करो जज। तो जैसे अगर आपको 40 की स्पीड तक का पिकअप एकदम बेहतरीन चाहिए, वो आपको ग्रेजिया में ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा। लेकिन अगर आप हाई स्पीड्स की बात करो तो एक्टिवा में आपको ज़्यादा बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, वहीं अपनी ग्रेजिया में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ख़राब है। और अगर ब्रेकिंग की मैं बात करूँ तो दोनों में ऐसा कोई मेन डिफरेंस लगा नहीं, दोनों में बढ़िया कॉन्फिडेंट रहता है ड्राइवर को कि हाँ अपना जो स्कूटर है वो रुक जाएगा। अगली चीज़ आती है डैशबोर्ड क्वालिटी आपको दोनों में कैसी देखने को मिलती है। तो भाई होंडा की डैशबोर्ड क्वालिटी जैसा कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब अगर आप इस पर पॉलिश करके रखो तो बढ़िया चमकता है, वैसे तो अपना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। कंक्लूजन मैं आपको भाई पूरा बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए स्लो स्पीड पे बढ़िया पिकअप तो आप ग्रेजिया को प्रेफर कर सकते हो, वहीं अगर आपको हाई स्पीड्स पे एक बढ़िया मतलब स्टेबिलिटी चाहिए तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। और इंजन दोनों में सेम ही आता है जैसा कि आपको पता है, लुक्स में कहीं ना कहीं एक्टिवा अपनी आगे निकल जाती है क्योंकि रियर लुक भी उसकी ज़्यादा बढ़िया है नहीं ग्रेजिया की, और वहीं उसमें ग्रेजिया में आपको डिजिटल मीटर तो देखने को मिलता है लेकिन इससे बहुत छोटा छोटा सा लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं बेकार ही है यार। ये अपना एनालॉग देखना रात में ऐसे चलाओ कितना बढ़िया लगता है। तो यही था बस मेरा तो एक ऑनेस्ट रिव्यू, मेरा किसी से मतलब ऐसा नहीं है कि हेट हो मेरा ग्रेजिया से, क्योंकि भाई जिसको खरीदनी है वो तो खरीदेगा ही, मेरा क्या जा रहा है, मेरे पास तो है ही अपना काम चलाने के लिए। तो यही थी बस वीडियो, देख लेगा आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।